हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखें। कल मैंने आप लोग देखा था कि कल मैंने एक ड्यूएल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की थी, और आज मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, जो है हमारा ऑन एंड ट्रिप का इंडिकेटर। जब भी हम देखते हैं कि हमारा मोटर ऑन होता है तो ऑन का इंडिकेटर जलता है, वो रेड कलर का होता है, और जब मोटर ओवरलोड में ट्रिप हो जाता है तो ट्रिप के टाइम में हमारा येलो इंडिकेटर जलता है। तो हम इसका वायरिंग देखेंगे, बहुत सिंपल है। तो मैं ये धीरे धीरे ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को इससे समझ में आएगा और समझ मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम ड्यूएल स्टार्टर ऑन करते हैं तो हमारा जो L1, L2, L3 टर्मिनल है, इसमें हम 3 फेज देते हैं RYB, और ये आउटपुट जब हमारा कंडक्टर पिकअप होता है ड्यूएल स्टार्टर में, तो आउटपुट हमारा रिले पे मिलता है वो 3 फेज, और ये मोटर को जाता है और मोटर चलने लगता है। उस टाइम में हमारा एक इंडिकेटर आता है जो रेड कलर का ऑन का। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने तो 3 फेज दिया नहीं, ना मोटर चलाया, मैंने सिर्फ ऑन का इंडिकेटर के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को कंट्रोल वायरिंग समझ में आए। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने सिर्फ एक सिंगल फेज दिया है L3 पे, और ये जब ऑन होगा ड्यूल स्टार्टर तो आउटपुट रिले के पास आएगा। तो दोस्तों, यहाँ से एक मोटर का टर्मिनल जाएगा ही, पर उसमें एक मैंने ऐड कर दिया जो है इंडिकेटर रेड का ऑन का। तो जब भी पिकअप होगा हमारा कंडक्टर, जब भी ड्यूल ऑन होगा तो हमारा ये कंडक्टर पिकअप होगा, तो आउटपुट रिले पर ये सप्लाई मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा ऑन का इंडिकेटर आएगा, जिससे हम पता कर लेंगे कि हमारा मोटर ऑन है। और उसके लिए एक न्यूट्रल की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, न्यूट्रल न्यूट्रल हमने कॉमन कर दिया, और यहाँ से एक एक्सटेंशन बोर्ड में सिंगल फेज सप्लाई है, वहाँ पर दे दिया। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं हम इसका वायरिंग कैसे करेंगे। तो हमने तो देख लिया रेड वाले ऑन का इंडिकेटर का वायरिंग, पर हम ट्रिप का जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, मोटर ट्रिप क्यों होता है? जब भी मोटर चलता है तो उसमें क्या है, आउटपुट अगर लोड बढ़ गया अचानक, या कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से हाई एम्पियर लेने लगा, तो हाई एम्पियर लेने से हमारा हीटिंग होता है, हीटिंग की वजह से हमारा रिले ट्रिप होता है, और ये रिले को हम थर्मल इफेक्ट रिले कहते हैं, थर्मिक रिले कहते हैं, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। इसमें दोस्तों, अगर सिंगल फेजिंग भी होगा तो 2 फेज पे हाई एम्पियर जाएगा, हीटिंग होगा तो भी ये ट्रिप हो जाएगा। ये प्रोटेक्शन हमारा सिंगल फेजिंग एंड हाई एम्पियर पे देता है। ओके, तो आइए हम देखते हैं इसका वायरिंग। तो दोस्तों, हम ट्रिप का वायरिंग देखेंगे। दोस्तों, हमारा जो टर्मिनल होता है रिले में वो 95, ठीक है, एक 94, 96, 97 एंड 98 है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कंट्रोल वायरिंग में रिले पे हम 95 पे पावर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम यहाँ से एक लिंक दे देंगे सीधे 98 पे, यानी हमारा यहाँ से भी पावर यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों, ये आपस में NO है, पर NC कब होगा? जब ट्रिप होगा, थर्मल इफेक्ट पे ट्रिप होगा, तो इसमें पावर आएगा 97 पर। तो दोस्तों, हमने यही किया है, और ये ट्रिप यहाँ जब पावर आएगा तो ये हम ट्रिप लैंप पे दे देंगे, यानी येलो लैंप पे दे देंगे, येलो। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने वही किया। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो ये हमारा जो टर्मिनल है, देखिए पावर आ रहा है, ये 95 है, और यहाँ से हमने सीधे 98 में दिया, ठीक है, यहाँ से इसको कॉमन कर दिया, और ये हमारा 97, 98 आपस में NC है। जब ये थर्मल रिले काम करेगा तो ये NC हो जाएगा, और यहाँ से हमने ट्रिप का दे दिया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो बस सिंपल वायरिंग है। तो आइए हम इसको टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं MC भी ऑन है,
हम ऑन का इंडिकेटर टेस्ट करेंगे। तो आइए हम इसको ऑन करते हैं। देखिए ऑन हुआ, हमारा लैंप भी ऑन है। ऑफ हुआ, लैंप ऑफ हुआ, फिर ऑन करते हैं। ठीक है, ऑन हो गया। अब देख सकते हैं ये आउटपुट सप्लाई आ रहा है, यहाँ से ऐसे ही 3 फेज जाएगा मोटर के लिए। ठीक है, ऑन का तो टेस्टिंग हो गया, पर हम ट्रिपिंग टेस्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ट्रिपिंग टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई मोटर नहीं है जिसको हम ओवरलोड करें या ट्रिप करें, हम वैसे नहीं कर सकते हैं। तो हम ट्रिपिंग टेस्ट कर सकते हैं जो रिले में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ट्रिपिंग के लिए दिया हुआ है। तो आइए हम टेस्ट करते हैं। इसको इधर प्रेस करेंगे, लिखा भी हुआ है ट्रिपिंग। ठीक है, हम इधर प्रेस करेंगे, देखेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए ट्रिप का इंडिकेशन आ गया। और ट्रिप का इंडिकेशन आया है तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नो पावर शो कर रहा है। ठीक है, जब हम इसको रीसेट करेंगे, देखिए रीसेट हो गया, पावर आ गया। ठीक है, फिर एक बार ऑन करते हैं। ऑन हुआ, मान लेते हैं ओवरलोड में ट्रिप होगा, ऐसे इंडिकेशन आएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। यदि आप वीडियो देख रहे हैं पहली बार, अगर नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इसमें और ऐड करूँगा कुछ ना कुछ। तब तक के लिए जय हिंद।